इतिहास से लेकर वर्तमान तक, इस्लामी आक्रमणों से लेकर ब्रिटिश शासन तक, और यहाँ तक कि आज के वैचारिक ध्रुवीकरण के काल में भी ब्राह्मणों को सदैव उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। परंतु सभी प्रतिस्थितियों के बीच एक प्रतीक अचल बना रहा, जनेऊ, पवित्र धागा, जिसका हिंदू संस्कारों में बहुत महत्व है। जेम्स टॉट के अनुसार अकबर ने मारे गए लोगों का जनेऊ इकट्ठा करने का आदेश दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उन जनेऊ का वजन कितना होगा? ऐसा कहा जाता है कि सनातन जीवन शैली के प्रतीक इन धागों का वजन 200 किलोग्राम था। ये केवल नरसंहार नहीं था, बल्कि उन लोगों के हृदय में डर पैदा करने की एक सोची समझी साजिश थी, जिन्होंने सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं को बनाए रखने और अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने का साहस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सामूहिक रूप से प्रताड़ित होने के बावजूद भी हिंदू उपनयन संस्कार और इस पवित्र धागे जनेऊ की रक्षा क्यों करते रहे? इसके पीछे का कारण है, जनेऊ का सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार होना, जिसे उपनयन या यज्ञोपवित संस्कार कहते हैं। उप का अर्थ है निकट और नयन का अर्थ है ले जाना, सत्य की ओर ले जाना, या सरल शब्दों में विद्यार्थी जीवन की शुरुआत। इस संस्कार के दौरान विद्यार्थी को जनेऊ धारण कराया जाता है। चलो ये बात तो ठीक है, पर जनेऊ कौन धारण कर सकता है? क्या सिर्फ ब्राह्मणों को जनेऊ पहनने की इजाजत थी? शूद्रों को ज्ञान से दूर रखने के लिए वे हर तरह के बहाने लेकर आए, है ना? खैर, उत्तर कुछ ऐसा है जो उदारवादियों को पसंद नहीं आएगा। जनेऊ सभी वर्णों द्वारा धारण किया जाता था, क्योंकि सनातन धर्म में ब्राह्मण की अवधारणा जन्म पर नहीं बल्कि हमारे कर्मों पर आधारित है। कई हिंदू धर्म ग्रंथ इस अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, कर्मणा द्विच उच्यते, जिसका अर्थ है कि हर कोई शूद्र पैदा होता है, लेकिन शुद्धि, संवर्धन और शिक्षा के माध्यम से एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन सकता है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तरमपि माम विद्या कर्मव्ययम्, जिसका अर्थ है व्यवसायों की 4 श्रेणियां लोगों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा बनाई गई थी। सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा गया है कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय के साथ साथ शूद्र भी गुरुकुल शिक्षा में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार कराते थे। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय शिक्षा के इतिहासकार धर्मपाल के रिकॉर्ड के अनुसार गुरुकुलों में अधिकांश छात्र शूद्र थे, और इस तथ्य की पुष्टि तथाकथित फैक्ट चेकर्स ब्रिटिश रिकॉर्ड से कर सकते हैं। इसमें भी रोचक और एक बात यह है कि कई विषयों में शूद्र छात्र ब्राह्मणों से भी बेहतर करते थे। सावरकर जैसे नेताओं ने घर घर जाकर हजारों तथाकथित नीची जाति के बच्चों का उपनयन कराया, सहभोज का आयोजन किया और दलित पुजारियों के साथ मंदिर बनवाए। और यहां उन लिबरल्स के लिए एक और जानकारी है जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की थ्योरी लेकर आए थे। हरित धर्म सूत्र, अश्वलायन गृह सूत्र और यम स्मृति के अनुसार 8 साल की उम्र में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, और उसके बाद उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। फिर भी प्रश्न ये है कि जनेऊ में ऐसा क्या था जिस कारण लोगों ने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए? शोधकर्ताओं और धर्मगुरुओं के अनुसार जनेऊ के 3 धागे क्या दर्शाते हैं? इसकी कई व्याख्याएं हैं। विचार के गहन स्तर पर ये धागे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। हमारे भीतर जीवन की नदियों की तरह ऊर्जा प्रवाहित होती है। जनेऊ इन नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। योग और अन्य माध्यमों से
हम नारियों की शुद्धि करते हैं, जिससे हमारी जीवन शक्ति या प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो पाती है। और जब ये जीवन शक्ति सुषुम्ना के माध्यम से बहती है तो हम भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर शाश्वत शांति, आनंद, ज्ञान की स्थिति और मोक्ष का अनुभव करते हैं। लेकिन ब्रह्म की खोज से परे जनेऊ का गहरा सामाजिक महत्व भी है। जन्म के क्षण से हम अपने कंधों पर तीन ऋण लेकर चलते हैं, उन ऋषियों, संतों और गुरुओं का जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उन देवताओं का जो आशीर्वाद और चुनौतियां प्रदान करते हैं, और हमारे पूर्वजों का जिन्होंने हमारे अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया। जनेऊ के तीन धागे इन ऋणों की निरंतर याद दिलाते हैं। इसीलिए जब प्रत्येक हिंदू पवित्र उपनयन संस्कार कराता था, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करता था, तो उससे सनातन धर्म के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होता था। हिंदू परंपराओं के प्रति इस श्रद्धा और सत्य की खोज ने न केवल इस्लामी आक्रमणकारियों के लिए, बल्कि भारत में क्रिश्चियनिटी की शिक्षाओं को फैलाने का प्रयास करने वाले ईसाई मिशनरियों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। और हिंदुओं पर नियंत्रण खो देने का डर ही था जिसने इस्लामी आक्रमणकारियों और ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स दोनों को ब्राह्मणों और जनेऊ पहनने वालों पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया। तो अगली बार जब कोई सनातन धर्म पर एक्सक्लूसिविस्ट या पैट्रियार्कल का लेबल लगाए तो इसके पीछे के कारण को याद रखें। शायद इस ज्ञान को साझा करके हम गलत फहमियों के बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं और अपने ऊपर से कुछ सामूहिक ऋण उतार सकते हैं।